कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, आपकी अध्यापिका जी भी बहुत अच्छी हैं। अभी आप लोग क्या करोगे? हिंदी रबुक, ठीक है, रबुक अगर आपके पास है वो आप लोग निकालोगे। क्यों? क्योंकि आज आपकी अध्यापिका जी आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने वाली हैं, ठीक ना? आपको व्याकरण पढ़ाने वाली हैं, हिंदी ग्रामर, ठीक है। हिंदी ग्रामर में क्या है कि आप लोगों को ये ग्रामर पढ़ाते हो, आप लोग फोर्थ क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी अब मैं जो आप लोग को बता रही हूँ ध्यान से आप लोग पढ़ोगे और लिखोगे भी। अभी क्लास वर्क में इसको नहीं लिखना है, अभी आप लोग रबुक में लिखिए, फिर हम लोग क्लास वर्क में बाद में जब मैं बोलूंगी तभी आप लोग लिखोगे, ठीक ना? बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे है ना? चलिए, मेरी बात मानोगे? अच्छी बात है, सभी बच्चे अच्छे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जान लें कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब आप लोगों को धीरे धीरे संज्ञा के भेद भी जानना है। अभी तक आप लोगों ने केवल पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना? तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, फिर विशेषण है, पढ़ना है ना? गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखिए, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने देखा, टीचर ने यहाँ क्या लिखा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पटना, शेर राम पटना, शेर रामायण आदि। ये क्या है बच्चों? ये है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पटना, शेर रामायण आदि, ये सब जो है संज्ञा कहलाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? संज्ञा के पांच भेद होते हैं। आप लोग जानते हो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हाँ, आप लोग जानते हैं संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पांच भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। अब पहला क्या है? जातिवाचक। नो, पहले हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक भी लिख सकते, व्यक्तिवाचक
संज्ञा। आप लोग भी ऐसे ही बोलोगे और ऐसे ही लिखोगे, ठीक ना? हाँ, तो व्यक्तिवाचक के बाद आ गया हमारा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना? अब हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के बाद आता है भाववाचक, भाववाचक या फिर इसे गुणवाचक भी बोलते हैं, गुणवाचक संज्ञा, ठीक है? अब चौथा क्या हो जाएगा हम लोगों का? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है? इसके बाद क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें हम लोग कैसे जानते हैं? संज्ञा के पांच भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम लोग क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक ना? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु विशेष स्थान या जानवर का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास जानवर का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ठीक ना? महात्मा गांधी के बाद आप आ जाइए रामायण, ठीक है? उसके बाद हम लोग लिखेंगे तिरुपति, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? सिंह आदि। ये क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जिससे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास जानवर का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग समझ गए? चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, जातिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी
पूरी जाति कहा बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जानवर, लड़की, किताब, देश आदि। ये क्या हुआ? ये आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसे पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, जानवर, लड़की, किताब, देश आदि। लड़का, किसी एक लड़के का नाम मैंने नहीं कहा। लड़का से पूरी जाति का और लड़कों की पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी एक बच्चे का नाम है नहीं बोली। जानवर, जानवर में कोई भी जानवर हो सकता है। लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है। किताब, किताब यानी कोई भी किताब हो, चाहे तुम्हारे मनोरंजन का हो या फिर तुम्हारे पढ़ाई के लिए, दोनों कुछ भी हो सकता है। देश, कोई एक देश नहीं, सभी देश। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग क्या लिखेंगे? भाववाचक। तीसरा क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिससे किसी का गुण, दोष, भाव, दशा, दिशा पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी का गुण, दोष, भाव, दशा आदि पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? जैसे अब इसमें आप लोग देखिए, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, सुंदर आदि आता है आदि। अब आप लोगों ने समझा भाववाचक संज्ञा? जिससे किसी का गुण, दोष, भाव, दशा आदि पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, सुंदर आदि। ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा में आता है। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा भाववाचक को गुणवाचक
संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाववाचक संज्ञा होगा या गुणवाचक संज्ञा होगा, दोनों एक ही है, लेकिन आपको भाववाचक ही लिखना चाहिए। तो चौथा है हम लोगों का समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में इसमें पूरे समूह का बोध किया जाता है, इसमें पूरे समूह का बोध होता है, इसमें पूरे समूह का बोध होता है। जैसे लड़के लड़के, चिड़ियां चिड़ियां, पेड़। ये क्या है, ये पूरे समूह का बोध करा रहा है, कोई एक नहीं है, कोई भी पेड़ हो सकता है, सब समूह में जब आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में क्या दिया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कहते हैं कि इसमें हम माप या तोल सकते हैं, इसमें हम माप या तोल सकते हैं। और इसमें धातु भी आता है, इसमें धातु भी आता है। जैसे घी, तेल, चावल, सोना इत्यादि। अब यहाँ पे घी, घी को हम लोग मापते या तोलते हैं, क्या उसे काउंट करके देते हैं, नहीं देते हैं। चावल, चावल हम लोग जब भी बनाते हैं, पकाते हैं, तो क्या उसे हम लोग काउंट करते हैं, नहीं करते हैं। सोना, सोना को अगर हम ऐसे ही चाहेंगे तो क्या उसे तोड़ के दूसरा आकार दे सकते हैं, नहीं, उसे जब तक हम लोग पिघलाएंगे नहीं, दूसरा आकार उसे नहीं दे सकते हैं। ये आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, ये सब रफबुक में लिख करके रखेगा। ठीक है, अध्यापिका जी जब आप लोगों को बताएंगे कि हाँ आप लोग क्लास वर्क में लिखे, तब आप लोग क्लास वर्क में लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद भी कीजिएगा और लिखिएगा भी। याद करने का क्या हुआ कि आप दो से तीन बार पढ़ोगे, एक एक जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, दो से तीन बार आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा उदाहरण के साथ। अगर उदाहरण याद हो जाएगा तो आपको कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अगली कक्षा में सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा हो गया, संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम। सर्वनाम में भेद आप लोगों को पढ़ना जरूरी नहीं है, तो केवल सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वो सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।